नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इसरो की वैकेंसी आ गई है। नाम सुनते ही हड़क गए होंगे कि यार, इसरो में तो बड़े बड़े लोग जॉब करते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे हड़कने वाली बात नहीं है। ये जो नॉर्मल वैकेंसी है उसी की वैकेंसी है, चूँकि ये इसरो एक प्रकार से अलग ही वैकेंसी निकालती है। इसलिए यहाँ पर आपको नाम से लगता होगा कि बहुत बड़ा वैकेंसी होगा, तो बड़ा कुछ वैकेंसी भी है, लेकिन ज़्यादातर आपके जितने भी वैकेंसी हैं उसमें से ज़्यादातर आपके छोटे मोटे वैकेंसी हैं, जो कि आपके ITI बेस्ड या 10th पास वाले हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो डेट है वो 27 जनवरी से इसका अप्लाइड डेट है। ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है वो 27 जनवरी से, यानी कि कल से आपका अप्लीकेशन डालना चालू हो जाएगा। पहला वैकेंसी है आपके साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसमें कि 3 वैकेंसी है। 18 से 30 वर्ष उम्र रखा है, और ME या MTech या MSc इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है, और 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। CGPA जो होगा वो 6.5 से जो है वो एबव होनी चाहिए, ठीक है। और BE BTech इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ एन एग्रीगेट जो मिनिमम मार्क्स है वो 65 होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड CGPA जो होगा वो 6.84 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ऑन 10-point स्केल पे। तो ये है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट इंजीनियर का है, जो कि आपके दो पोस्ट है। यहाँ पे भी MSc या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 65% और CGPA CPI ग्रेडिंग है वो 6.8 ऑन 10-point स्केल विथ प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन BSc विथ फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे आपको 28 बस उम्र मिल जाती है, और ये लेवल 10 के पोस्ट हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के जो पोस्ट हैं वो आपके देखिएगा, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो टेक्निकल असिस्टेंट के 55 वैकेंसी है, जिसमें कि डिप्लोमा खोज रहा है, 35 बस आयु मैक्सिमम है, और लेवल 7 के वैकेंसी है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी 6 है, उसमें भी आपको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन BSc इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि इसमें BSc खोज रहा है, और यहाँ पे भी 35 उम्र रखा है, और लेवल 7 की वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपके ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इस जो है वो आपके उसके बाद इसमें भी 35 वर्ष उम्र रखा है, और जो लेवल है वो 7 की वैकेंसी है। जो आपके काम की जो ज़्यादातर है वो टेक्नीशियन बी की वैकेंसी है, जो कि 142 वैकेंसी है। आप अगर मैट्रिक पास हैं और ITI कर रखे हैं, 35 वर्ष तक उम्र है, तो आप लेवल 3 के ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉट मैन के लिए भी यहाँ पे इसी में वैकेंसी है, जो कि आपके ITI प्लस 10th बेसिस पे है। उसके बाद फायरमैन की वैकेंसी है, जो कि 3 वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपको SSLC यानी कि 10th और उसके बाद आपके जो है वो 10th पास ही सिर्फ खोजा है, तो ये लेवल 2 की वैकेंसी है, 1900 पे ग्रेड की, 25 वर्ष मैक्सिमम उम्र खोजा है। उसके बाद कुक की जो वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी में 10 आपके 10वां पास प्लस 5 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस होने चाहिए होटल के या कैंटीन के, और इसका भी उम्र 35 रखा है, लेवल 2 की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है, जो कि 6 वैकेंसी है, और इसमें भी आपको 10th पास प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लाइट व्हीकल जो है वो होना चाहिए। फिर हैवी व्हीकल के लिए 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, 3 ईयर हैवी व्हीकल्स का, और 5 ईयर्स ऑफ आउट ऑफ यानी कि 5 ईयर्स का जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 3 वर्ष मिनिमम आपके हैवी व्हीकल्स का जो है वो होना चाहिए एक्सपीरियंस, और 10th बेसिस पे है। तो ये कुछ वैकेंसी है जो कि आप भर सकते हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि इसके लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, 142 वैकेंसी के लिए, और डिटेल जो रिलेवेंट ट्रेड है वो कल पता चलेगा। तो आप बने रहेगा चैनल के साथ, जिससे कि आपको पता चल पाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।